हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस मे बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड और फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्पार्टिंग बिटवीन सिचुएशनल डिमांड एंड द इंडिविजुअल एबिलिटी और मोटिवेशन टू मीट दोज डिमांड्स। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमारी एक मेंटल कंडीशन है, चाहे हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी हमारा इम्बैलेंस हो सकता है। जो सिचुएशन डिमांड करती है, हम उस तरह अपने एबिलिटी है, अपना मोटिवेशन है, शो नहीं कर पाते। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव व्हेन द सिचुएशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन टू गेन समथिंग। इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर पी परफॉर्मेंस। स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है, हमें मोटिवेट करता है। स्ट्रेस कैन बी नेगेटिव व्हेन अ पर्सन फेसेस सोशल, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस कैन कॉज हेडेक, ईटिंग डिसऑर्डर, एलर्जी, इंसोम्निया, बैकएक, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड फैटिग ड्यू टू डिसीज सच एज हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट एलमेंट्स एंड इवन कैंसर। नेगेटिव जो स्ट्रेस है वो हमें सोशल और फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशन, इमोशनल, कहीं पर भी जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर हो सकता है। इससे हमें फिजिकल है जो इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो मैंने अभी बताई, जैसे हेडेक हो गया, बैकएक हो गया, कोल्ड कफ, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेसफुल सिचुएशंस प्लेस एक्स्ट्रा डिमांड्स ऑन द बॉडी। योर बॉडी रिएक्ट्स on an unexpected change or a highly emotional experience, regardless of whether this change or good or bad। जो भी स्ट्रेस हम कैसे मैनेज करेंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें बॉडी से एक्स्ट्रा डिमांड होती है, हमारी इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे चेंज होने शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस है जो हम स्ट्रेस कहेंगे और नेगेटिव स्ट्रेस हमारा होगा जो डिस्ट्रेस होगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, इसको मैनेज करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस क्या हैं। इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेसेस, करियर चेंजेस, करियर कंसर्न, रोल एम्बिग्यूटी, रोल कन्फ्लिक्ट, वर्क ओवरलोड, फ्रस्ट्रेशन, लाइफ चेंज, पर्सनैलिटी, ये सब है जो इंडिविजुअल लेवल को बंदे को स्ट्रेस होते हैं। ग्रुप लेवल स्ट्रेसेस, मैनेजीरियल बिहेवियर, लैक ऑफ ग्रुप कोहेशन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सन एंड इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, वर्क वायलेंस, सेक्शुअल हरासमेंट, ये सब हमारे ग्रुप में हम जब काम कर रहे हैं वो हमें स्ट्रेस हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रेसेस, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, स्ट्रक्चर, लीडरशिप चेंजेस, ऑक्यूपेशनल डिमांड्स, वर्क ओवरलोड, वर्क अंडरलोड, वर्किंग कंडीशन, जो ये स्ट्रेस हमारे जो हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस कौन से? टेक्नोलॉजी का चेंज होना, स्विक अमेनिटीज जो हमारे फैसिलिटीज मिली हैं वो कम होना, कास्ट एंड रिलीजन कन्फ्लिक्ट हो जाना वहाँ पर, जैसे कल्चर होता है वो सही ना होना, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो हमें एक स्ट्रेस देते हैं। हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस? डाइट अच्छी, एक्सरसाइज, पूरी नींद दो आप, क्रिएट अ सोशल सपोर्ट नेटवर्क अपना बनाओ, मेक एक्सपेक्टेशन क्लियर, जो भी हमें लाइफ से एक्सपेक्टेशन वो हमें क्लियर होनी चाहिए। गिव इम्प्लॉय ऑटोनॉमी, इम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी दो, जो अपनी उनके डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अपने लेवल पर करने दो। क्रिएट फेयर वर्क इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कल्चर है वो अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो। इम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम EAP, इम्प्लॉयज़ की जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर उनको इम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम भी लगाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशंस। इमोशन इज डिफाइंड एज शॉर्ट इंटेंस फीलिंग रिजल्टिंग फ्रॉम सम इवेंट। नॉट एवरी वन रिएक्ट टू द सेम सिचुएशन इन द सेम वे। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर्स वे ऑफ स्पीकिंग कैन कॉज वन पर्सन टू फील मोटिवेटेड, अनदर फील एंग्री एंड थर्ड फील सैड। इमोशन क्या? हमारा शॉर्ट एक फीलिंग है जिसका रिजल्ट कोई इवेंट हो सकता है। जैसे हर सिचुएशन पर हर बंदे का इमोशन एक जैसा नहीं होता। मान लो कोई एग्जाम्पल है, अगर एक मैनेजर एड्रेस कर रहा है पूरी टीम को, एक अच्छा फील करेगा, मोटिवेट होगा, दूसरे को गुस्सा आएगा, तीसरा कुछ सैड फील करेगा, तो हर बंदे का एक अलग से नज़रिया होगा। पॉजिटिव इमोशन सच एज जॉय, लव एंड सरप्राइज रिजल्ट। पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जब हमें खुशी होती है, प्यार और कुछ सरप्राइज, अच्छा रिजल्ट मिल जाए। फ्रॉम आवर रिएक्शन टू डिजायर्ड इवेंट्स, दीज इमोशंस आर यूजफुल फॉर क्रिएटिव टास्क बिकॉज
पॉजिटिव इंडिविजुअल टेंड टू मोर क्रिएटिव एंड ओपन टू न्यू आइडिया। जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा इमोशन होता है हमारा, तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं, इनोवेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, नए आइडियाज़ मिल जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर, फील, सैडनेस कैन रिजल्ट फ्रॉम अनडिजायर इवेंट्स इन द वर्क प्लेस। दीज इवेंट्स में इंक्लूड नॉट हैविंग योर ओपिनियंस हर्ड, अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर एयर ओवर योर डे टू डे इन्वायरमेंट एंड अनप्लेजेंट इंट्रैक्शन विद कलीग्स, कस्टमर्स एंड सुपरवाइजर। नेगेटिव इमोशन है जैसे हमें गुस्सा आ गया, सैडनेस हो रही है, कोई डिज़ायर हमारी पूरी नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं है हमारा। इन्वायरमेंट में जो अनप्लेजेंट इंट्रैक्शन होती हैं किसी कलीग की वजह से, किसी सुपीरियर कस्टमर की वजह से, तो वहाँ पर इमोशन हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। स्ट्रेस एंड इमोशन शुड बी मैनेज्ड ऑन वर्क। अगर इन दोनों को, स्ट्रेस और इमोशन को मैनेज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं तो जो इम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो एक नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को भी लाइक करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।